नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो आज का जो अपडेट है वो केपीआई ग्रीन के ऊपर, सबसे पहला अपडेट केपीआई ग्रीन के ऊपर है, क्योंकि मुझे बहुत दोस्तों का कमेंट्स आया कि सर केपीआई ग्रीन के ऊपर मैंने हाई लेवल में बाय करके रखा हूँ तो अभी मैं क्या करूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एक डेटा और एक एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि एक चीज को आप समझिए, मार्केट जब गिरते हैं, मतलब ओवरऑल जब मार्केट निफ्टी सेंसेक्स जब गिरावट के माहौल में होते हैं तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा पिटाई उसी कंपनी का होता है जो कंपनी स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप होते हैं। तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप जो कंपनी है उसका ज़्यादा गिरने का चांसेस होता है, चाहे वो किसी कैटेगरीज के कंपनी हो। अभी आप देख सकते हैं कि लंबा जर्नी होने के बाद, या फिर लंबा जर्नी होने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट किया, उसके बाद देखिए लगातार एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो उस सिचुएशन में कंपनी के ऊपर भी गिरावट होगा। अगर मैं टॉप लेवल से कंपनी का करेक्शन लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास करेक्शन, 23% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग टॉप लेवल में बाय करके रखे हैं उसके लिए मैं एक चीज बता दूं, आपने किस पैटर्न्स को फॉलो करके काम किया वो मुझे पता नहीं है। हाँ, अगर मेरे ओपिनियन आपको बता दूं, मेरे खुद के ओपिनियन क्या है कि मैं कोई भी कंपनीज के ऊपर जब तक कोई पैटर्न्स ना बने और जब तक उसका फंडामेंटल मुझे सपोर्ट ना दे तब तक मैं काम नहीं करता हूँ, चाहे वो कितने बड़े कंपनी हो चाहे वो कितने छोटे कंपनी हो। क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर मैं सोचा था कि यहाँ पे एक पैटर्न्स बनेगा, कफ हुई धरने पैटर्न, तब मैं एंट्री लूंगा, मगर मेरे सोचने से तो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए कंपनी मेरे सोच से उल्टा हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया और ऊपर चला गया। और दोबारा मैंने यहाँ पे एक मार्किंग करके रखा, ये भी सोचा कि यहाँ पे अगर कुछ टाइम होल्ड करेंगे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो मैं कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ एंट्री लूंगा, मगर वो भी गलत हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया तो मैंने एंट्री नहीं लिया। तो कहने का मतलब यही है कि आप सारे चीज़ों को समझिए, क्योंकि हम लोग, आप लोग करते क्या है, आप लोग करते ही है कि किसी भी जगह पे एंट्री ले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या बना था, एक रेंज बना था, यहाँ पे बहुत दिनों तक एक रेंज बना, उसके बाद क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो जब यहाँ पे रेंज बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब यहाँ से एक लंबा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। तो इस सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कहाँ पे मेरा एंट्री होता है, किस लेवल को मैं फॉलो करके काम करता हूँ। अगर यही चीज को आपको सीखना है, जानना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको कोई भी पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज सीख सकते हैं, क्योंकि मैं आज तक किसी से एक रुपया भी चार्जेस लेकर किसी भी प्रोडक्ट को नहीं बेचा। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सिखा पाऊँ, मैं आपको सारे चीज़ों को समझा पाऊँ और इस सारी चीज़ों को समझ कर आप काम कर पाए। तो अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि सेल्स हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, कंपनी का एक्सपेंस भी ठीक ठाक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, मगर एक वीकनेस बहुत बड़ा है इस कंपनी का, वो मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, वो है इस कंपनी का कर्जा। देखिए 2.58% का कर्जा है, और कंपनी कर्जा किस बेसिस में लिया, देखिए बैंक ने तो इतने छोटे कंपनी को ज़्यादा लोन नहीं दिया, तो कंपनी क्या किया, खुद की जो हिस्सेदारी है, खुद के जो प्रोमोटर के जो पास जो हिस्सेदारी था उसको 45% प्लेजिंग कर दिया, मतलब गिरवी रख दिया, और इस गिरवी रखने के बाद वो मार्केट से पैसा उठाया, लोन लिया। तो ये एक बहुत बड़ा खतरनाक काम कंपनी कर रहा है। मान के चलिए कल अगर कोविड जैसे सिचुएशन आ गया तो इस कंपनी का धज्जिया उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट मिलना बंद हो जाएगा, कम बंद मतलब बहुत कम हो जाएगा, और प्रोजेक्ट कम होगा तो कंपनी का सेल्स कम होगा, सेल्स कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो वो लोन कहाँ से मिटाएंगे, लोन मिटाने के लिए उसके पास तो ऑप्शन जो था खुद के जो प्लेजिंग वो भी गिरवी रख दिए। अगर टाइम टू टाइम लोन नहीं मिटा पाए तो वो प्लेजिंग को वो बैंक के पास से वो अगर गिरवी रखा है तो वो माल बेचकर उसका पैसा निकाल लेंगे। तो बहुत बड़ा एक वीकनेस सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैं इस कंपनी को थोड़ा सा रिक्सी जोन में देखता हूँ। हाँ, ट्रेडिंग पर्पज में मैंने बहुत बार इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया, और वो भी छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ, मैं आपके साथ भी शेयर किया। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर आप जो डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन के हिसाब से काम करिए। मेरे तरफ से यहाँ पे कोई भी, मैं कोई भी अभी नहीं ट्रेड ले चुका हूँ, मतलब मेरे पास कोई भी ट्रेड नहीं है फिलहाल के लिए। तो तब तक मैं वेट करूँगा जब तक कोई सिचुएशन ना बने, जब तक कोई रेंज ना बने,
कोई रेंज ब्रेकआउट ना करे तब तक मैं कोई भी इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। और हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो लोग टॉप लेवल में बाई करके रखे हैं तो उसके लिए बता दूं, मार्केट अगर निफ्टी सेंसेक्स में एक बिग फॉल दिखे तो सोचना इस कंपनी का भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर करेक्शन होगा तो कहाँ तक आ सकते हैं, देखिए आप एक स्ट्रांगली लेवल है, वो लेवल कौन सा है मैं एक बार आपको मार्किंग करके देता हूँ। तो वो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 1206 रुपीज के आसपास, क्योंकि ये स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, इसी सपोर्ट को रिटेस्ट किया उसके बाद बिग बाउंस किया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी फिर से सपोर्ट करने के बाद बाउंस करने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इसके ऊपर भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर क्या राय है। देखिए इस कंपनी के ऊपर एक राय मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसके ऊपर मैं जो एंटी लेने के जो डिसीजन लिया था वो एंटी तो फाइनली मुझे मिल चुके थे, और एंटी मिलने के बाद देखिए बहुत टाइम यहाँ पे लगा दिया, एक रेंज क्रिएट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हो चुके थे। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन किसके किसके ऊपर हुआ, देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक रेंज बना, एक बिग कप बना, उसके बाद यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, मतलब कफ विद हैंडल पैटर्न हुआ, और दो बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, उसके बाद रिटेस्ट भी किया। जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया, और उसके बाद देखिए बहुत दिनों तक टाइम बिताया, उसके बाद फाइनली वो डाउन साइड को ट्रेड करा है। अभी देखिए 200 डेज जो ये मैं इसका स्ट्रांगली 200 डेज जो मूविंग एवरेज का स्ट्रांगली जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, और उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद फिर से वो ब्रेक करने का डाउन आने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि मार्केट अगर बेयरिश साइन में हो तो मार्केट किसी ना किसी हालत में उसको नीचे लेके ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक स्ट्रांगली उसका सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट है, उसी सपोर्ट को बार बार फेस किया और यहाँ पे भी वही सपोर्ट यहाँ पे रेंज क्रिएट किया। मतलब अगर कंपनी नीचे आए और 475 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो सोचना एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं माल यहाँ पे सेल ऑफ कर दूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं इस कंपनी के ऊपर बाय जो किया हूँ मैं ऑब्वियसली एज ए बहुत टाइम तक होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है बहुत बड़ा है, करीबन 966 रुपीज तक मेरा टारगेट रहेगा, और टारगेट में इसीलिए लेकर रखा हूँ 81% के आसपास, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे क्वार्टर रिजल्ट 700 से 1100 करोड़, 1500 करोड़, उसके बाद कंपनी के देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट 298 से 281 करोड़ के आसपास देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो भी देखिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा, तो क्वार्टरली रिजल्ट का भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, और बैलेंस शीट भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। जैसे फाइनेंस कंपनी है 6300 करोड़ से आज खुद के बोरिंग्स बढ़ के हो चुके 34,000 करोड़, तो इसका मतलब लोन भी बढ़ा खुद का, और खुद रिजर्व भी देखिए 1600 से 3500 करोड़ बना। तो ओवरऑल टोटल जो कंपनी का लैंडिंग कैपेसिटी है, लैंडिंग कैपेसिटी का मतलब है कंपनी कितने पैसे को वो लोन के हिसाब से दे सकते हैं, तो टोटल जो कैपेसिटी निकल कर है करीबन 37,000 करोड़ के आसपास, 38,000 करोड़ के आसपास, तो इतने पैसा है कंपनी के जेब में, इस पैसे से कंपनी दूसरों को लोन दे सकते हैं। बाकी इस यही सारे कारण के वजह से मैं कंटिन्यू करूंगा, बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है येस बैंक। देखिए फाइनली येस बैंक के ऊपर एक ट्रेड मिला है, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, और रेंज के बाद जब यहाँ पे रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और यहाँ तक टारगेट बना था, और दूसरी बात फिर से एक बार रेंज क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखा जाए दो बार यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, और टोटली 34% के आसपास ग्रीन कैंडल बना, और जब यहाँ पे रिटेस्ट किया इस लेवल को तो यहाँ पे एंट्री बना, और मेरा टारगेट जो रहेगा वो करीबन 30 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। तो इस एंट्री को मैंने क्यों लिया, पहली बात कंपनी कितने बड़े है सबसे पहले वो देखना है, 66,000 मतलब एक लार्ज देखा जाए तो एक मिड कैप हाई मिड कैप टाइप कंपनी है, लार्ज कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो भी आपको शानदार होता हुआ देखने को मिले। 5,800 करोड़ पिछले बार था, इस बार 6,900 करोड़ बना। एक्सपेंस और इंटरेस्ट दोनों को मिटाने के बाद कंपनी के जेब में कितना है, 55 करोड़ से बढ़ के 240 करोड़ हो गया, मतलब यहाँ पे अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ। उसके साथ साथ एज ए इंटरेस्ट इन्वेस्टर उसके पास भी देखेंगे तो एफ आई एस के पास भी होल्डिंग बढ़ा, डी एस के पास भी होल्डिंग बढ़ा, और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग देखने को मिला। तो इस सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी
इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो येस बैंक के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ। जब मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली अगर कोई बाइंग कैंडल बने तो उसको टॉप लेवल और ग्राउंड लेवल मार्किंग कर लेना, और 20% के ऊपर अगर इस रेंज बने तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब मेंटेन लूंगा और हायर लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। देखिए यहाँ पे मेरा रिक्स कैपेसिटी कितना है वो मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो आप भी उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके काम करना। तो बाकी मेरे तरफ से कोई भी कंपनी इसके ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करना। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।